मुझे रह रहे किस बात का ख्याल आता है फरियान की शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हें कभी पहचान ही नहीं पाया। हालांकि बाबा मुझे बार बार कहते थे कि फरियाल तुम्हारे लिए बेस्ट है, उसे समझो, पहचानो, उसे वक्त दो, कि मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। हो सकता है कि वो वक्त हमारे लिए बेस्ट ना हो और ये वक्त हमारे लिए बेस्ट हो, और जो वक्त हमारे लिए बेहतरीन नहीं होता उसे हमें भूल जाना चाहिए। ये तो तुम्हारी अच्छाई है, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो धुतकारता मुझे, बदला लेता। मैं कम से कम तुम्हें अपना दोस्त तो बना सकता था, किसी भी रिश्ते का पास नहीं रखा मैंने। मैंने तो आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश की है, आपकी दोस्त बनने की कोशिश की है, आपकी तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया, मगर आप कभी मुझे समझे ही नहीं। और मजीद आपका गुस्सा आपको दो कदम पीछे ले गया। मैं खुद को सजा देना चाहता हूँ फरियाद। मैंने सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि बाबा का भी बहुत दिन दुखाया, अपनों को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। ऐसी बातें नहीं करते शाहजहन, और माफी के तलबगार तो हमें सिर्फ खुदा से होना चाहिए, क्योंकि माफ करने वाला सिर्फ वही है। लेकिन आपको एक बात कहूं, मैंने आपको दिल से माफ कर दिया, और माफी तो आपको अपने बाबा से मांगनी चाहिए, अपने घर वालों से मांगनी चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको माफ कर देंगे। काश मेरा भी दिल तुम्हारी तरह होता, वो तो मुझे माफ कर ही देंगे, लेकिन मैं खुद का क्या करूं फरियाद। मैं खुद से भागते भागते ना थक चुका हूं। खैर, आज तुम्हारे साथ वक्त गुजार के बहुत अच्छा लगा। आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, थैंक्स टू यू। मैं आज का दिन कभी नहीं भूलूंगा। शाहजहन, एक बात कहूँ, आप मेरी बात मानेंगे? इसको ऐसी बात मत करना जो कि मैं मान ना सकूं, क्योंकि आज मैं तुम्हें इनकार नहीं करना चाहता। अगर आप बाबा के घर नहीं जाना चाहते तो मेरे पास एक जगह है जहाँ पे जब आप रहेंगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी और बाबा को भी। किस जगह की बात कर रहे हो? कहाँ?